कि देखो यहाँ पे मैं अभी लगा रहा हूँ टैंक पैड भी, तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। एंड वहाँ खड़ी है मर्सिडीज एंड भैया लगा रहे हैं गाड़ी पे फिल्म जो कि उतर गई थी। साइड से कुछ ऐसी इसकी लुक्स हैं, मैंने इसकी ऑर्डर कर दी है रेडिएटर ग्रिल भी जो इसकी बहुत जल्दी आ जाएगी। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल सो वेल गाइस, अभी व्लॉग्स बैक हैं भाई। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 4:30 PM एंड अभी जा रहा हूं मैं करोल बाग करके राइट अपनी H2 को, एंड जो अंकल है वो पीछे आएंगे मर्सिडीज पे। एंड अभी होगी थोड़ी सी दिक्कत क्योंकि लेट मी टेल यू, तो यहाँ पे लगा तो होता है अपना माउंट जो GoPro का, जो कि दोबारा से निकल गया, एक दिन पहले भी निकल गया था बट इस बार चलते चलते निकल गया बाइक। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ऑक्स केबल है इसने इसको रोक लिया GoPro को, नहीं तो ये नीचे गिर जाता रोड पे चलते चलते और नुकसान दगड़ हो जाता बहुत तगड़े वाला। तो अभी मैं जा रहा हूँ करोल बाग, क्यों जा रहा हूँ बता देता हूँ कि भाई मैंने ऑर्डर करा था थोड़ा बहुत चीज़ें अपनी H2 के लिए, लाइक मैंने रखा था ऑर्डर पैडॉक एंड छोटी मोटी चीज़ें और थी। तो अब चलता हूँ जैसे करोल बाग को लेकर के, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को एंजॉय करो, कंटिन्यू करते हैं आज इस व्लॉग को। एंड भाई सॉरी अभी मोटर व्लॉग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो माउंट है वो उतरा हुआ है एंड जो मेरा हेलमेट है स्पाइडरमैन वाला ये वाला, इसे माउंट लगा हुआ है बट ऑल दो दिक्कत मेरे को हमेशा आती हुई आती है क्योंकि रात हुए हो जाएगी रात एंड रात में जो ब्लू वाला वाइजर रही है अच्छे से काम नहीं करता एंड इट कैन बी डेंजरस फॉर मी। तो अब चलते हैं, आपको सीधा मिलता हूँ करोल बाग में, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को एंजॉय करो, कंटिन्यू करते हैं आज इस व्लॉग को। सो लेट्स गो। वेल सो गाइस, आई एम व्लॉग्स बैक हियर। तो ये है अपनी नई विंडस्क्रीन जो कि लग जाएगी इस पे, जो कि है प्यू की। सो जस्ट चेकआउट द लुक्स, अभी तो लगी नहीं है और इतनी अच्छी लुक्स आ रही हैं। बाकी भी सीट उतर चुकी है, सीट कवर मेरा नया बनेगा बाइक का। यहाँ पे अंकल है, कैसे हो अंकल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे आ चुकी है मर्सिडीज जो कि वहाँ खड़ी है, तो पहले लगवाते हैं इसको, तो आपको इधर मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसी आती है बाइक की लुक्स इसके बाद। तो अब यहाँ पे लग रही है ब्लैक कलर की विंडस्क्रीन और जस्ट चेकआउट द लुक्स, अब लग रही है बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया इस एक ब्लैक स्क्रीन की वजह से। बाकी देखो यहाँ पे मैं अभी लगवा रहा हूँ टैंक पैड भी, तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। यहाँ पे मेनली बस ग्रीन कलर के भी ऑप्शन हैं, जो कि मेरे को ग्रीन लगवाना नहीं है, मेरे को पसंद है ज़्यादा ब्लैकिश, तो मैंने अपने यहाँ पे निकलवा लिए हैं दो सेपरेटली, तो ये रहे दो। बाकी यहाँ पे आ चुके हैं बब्बू भाजी, कैसे हो बब्बू भाजी? और यहाँ पे विष्णु भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। तो अभी देखो ये हैं दो टैंक पैड्स, तो अभी जो ये लगा हुआ है ये प्रो ग्रिप का, इसको उतरवा के मैं सोच रहा हूँ या तो ये कार्बन फाइबर वाली फिनिश के अंदर है और एक है ये प्रैक्टिस सुपर बाइक, वैसे मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला, बट इससे थोड़ी आएगी सोवर फिनिश, तो अभी देखते हैं कि कौन सा लगवाया जाए। इसकी कॉस्ट क्या है? 2500 की रुपीज़ की है ये। और अभी बब्बू भाजी इसको बेच रहे हैं और ये आ चुके हैं शॉप पे बेचने के लिए। आपने शोरूम भी खोल लिया आपने? बस अब धीरे धीरे सब कुछ खोलेंगे भाई। मेरे को एक और खबर आई सुनने में, क्या हमने एक और शादी भी कर रखी है? शादी भी कर रखी है मैंने एक और। भाई भाई ये कब हमें बताया भी नहीं, जो देख क्या क्या आएगा हमारे लिए। तो यहाँ भी लग रहा है एक नया टैंक पैड जो कि मैंने लगवाया है कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर, और यहाँ पे लग रहा है इजी ग्रिप, लग चुका है राइट साइड का, लगेगा लेफ्ट साइड का। तो अभी तो लग रही मेरी बाइक पे अभी सीट एंड भाई क्या बताऊँ, जो बाइक के लुक्स हैं वो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा सही पहले से। एम एन ए भी ऑर्डर करी है रेडिएटर ग्रिल भी, जो कि जो मेरा बाइक का रेडिएटर उसको बचाएगी। एंड वहाँ खड़ी है मर्सिडीज एंड भैया लगा रहे हैं गाड़ी पे फिल्म जो कि उतर गई थी, और यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर कर दिया रेडिएटर ग्रिल जो कि यहाँ पे लग जाएगी। कब तक आ जाएगी भाई ग्रिल? 25 दिन के अंदर। इसका एग्जॉस्ट कितने का आएगा भैया? ब्रॉक्स फुल सिस्टम स्लैश कट 2,40,000। तो गाइस आपसे एक थोड़ी सी बात शेयर करता हूँ कि मेरे को दिक्कत क्या आती है, ऐसे आपको पता है जो मेरा पैर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जस्ट सी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो पैर यार इतना मतलब ज़्यादा चला जाता है, तो उसको ऐसे रखना पड़ता है, ऐसे करूँगा देखो मतलब आगे चला गया और जो मेरा पैर है अटक जाता है। तो इसके लिए मेरे को चाहिए थे एक बड़े फुट पैक्स जो कि अभी नहीं मिल पा रहे हैं। मिल जाएंगे भाई वो वैसे? वो ऑर्डर करवा देंगे। अच्छा, तो वो ऑर्डर करवाएंगे तो मिल जाएंगे। बाकी अभी इसके गियर सॉक्स भी लगवा रहे हैं यहाँ पे, तो उसे जो बाइक है उससे जो गियर है थोड़ी शिफ्टिंग में फर्क पड़ जाएगा और थोड़ी ग्रिप भी हो जाएगी बढ़िया, नहीं तो अगर ये लगा रहे तो क्या दिक्कत आएगी? गियर लगाने में भी दिक्कत करेगी। अच्छा, घूम रहा है पूरा का पूरा। अच्छा देखो करेगा ये पूरा घूम रहा है, देखो तो ये स्लिप करता है, तो इससे अच्छी ग्रिप आ जाएगी, तो अभी ये करवा रहा हूँ। अभी जो चेन है ये देखो पूरी गोल्डन है, तो इसको थोड़ा ल्यूब भी करवाऊंगा अगर हो सका तो। बाकी पैडॉक कब तक मिल जाएगा इसका? इसी हफ्ते में मिल जाएगा। चलो ठीक है भाई, तो बाकी टाइम पर वगैरह कोई लग चुका है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है यार, ये मेरे को सब बाइकों में आती है कि जो पैर हैं वो मेरे फिट ही नहीं बैठते कभी भी। तो ये थी पुरानी विंडस्क्रीन, यहाँ पे लगा हुआ था YPM व्लॉग्स वगैरह कुछ लिखा हुआ था, मैंने टैग जो कि मैंने लगवाई थे स्टिकर, और ये यहाँ पे भी लग चुके हैं इंस्टाग्राम YPM व्लॉग्स एंड यूट्यूब YPM व्लॉग्स। तो अभी हम जाने कनॉट प्लेस, तो चले चलते हैं, कुछ प्यास और भूख सी लग रही है, तन की प्यास मन की प्यास सारी बुझानी है, पेट में दर्द होने लग गया और इतनी भूख लग रही है, इतना काम कर लिया। तो अब चलते हैं, बाकी भाई क्या रिएक्शन आ रहे हैं आज करोल बाग के अंदर मार्केट के अंदर H2 के, कुछ अलग ही आ रहे हैं रिएक्शन, तो चलते हैं। चलो जी, आपका वो उतर गया माउंट दूसरी बार? अब मेरा नहीं उतरा भाई, तेरा उतरा, मेरा माउंट लगा जो आपने लगाया था। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं कनॉट प्लेस में, अंकल यहां पे आ चुके हैं मछली लेकर, कैसे हो अंकल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दूसरी बार पूछ रहा हूं मेरे को पता वीडियो में, तो अभी क्या खा रहे हो?
अभी भैया आइसक्रीम है इसमें बड़ा पाव। चलो आप खाओ। और अंकल शेक क्यों नहीं पिया आपने? नहीं नहीं शेक नहीं पीता भाई, यहाँ की स्पेशलिटी सबसे ज्यादा अच्छी शेक है। तो अंकल आप खाओ चलो, ठीक है? बाकी यहाँ पे विष्णु भाई, बब्बू भाजी और मैं यहाँ पर आए हैं चला करके बाइक, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक था बट स्टिल ठीक है। तो यहाँ पे है मेरा व्हाइट सॉस पास्ता और साथ में आइसक्रीम शेक, तो इसको भी कंज्यूम करता हूँ, खीरा मिलता हूँ। तो भाई अभी शेक्स पी लिए हैं, खाना भी मैंने खा लिया एंड भाई मेरा बिल्कुल भर चुका है पेट। अब यहाँ से सीधा जा रहा हूँ अपने घर पे। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी अपने घर पे। और आप भी भाई घर पे? सब घर घर खेलेंगे। देखो बताए तो मैंने क्या क्या काम कराया बाइक के अंदर आज, ताकि आपको मिल जाए बड़ा सा आइडिया होता था कि मैंने क्या क्या बाइक में कराया। सो ये रही बाइक, इसने मैंने यहाँ पे लगवाई है साइड ग्रिप्स, गियर सॉक्स जिससे काफ़ी अच्छी ग्रिप आती है, पूरी सीट जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक्स आ रही हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रिप भी आती है। प्यू की विंडशील्ड जो ब्लैक कलर के अंदर है, अगेन वेरी गुड इन लुकिंग। साइड से कुछ ऐसी इसकी लुक्स हैं, मैंने इसकी ऑर्डर कर दी है। रेडिएटर ग्रिल भी जो इसकी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो अभी यही इसमें सामान आज हुआ इंस्टॉल, जिससे होगी बाइक बहुत ज़्यादा सही लुक्स के अंदर। बाकी यहाँ पे लग चुके हैं स्टिकर्स भी YPM व्लॉग्स के, YouTube का यहाँ लगा, यहाँ लगा Instagram का। सो अब चलते हैं सीधा, कुछ ऐसा भी पूरा नॉट प्लेस है एंड यहाँ से मैंने अभी शेक भी आता। सो अब चलते हैं ऐसे घर। ये खड़ी है बब्बू भाजी की बाइक जो कि है ड्यूक 390। तो चलो The next day. तो अभी आ चुका कटवाने के लिए मैं बाल एंड भाई लगभग हो गए थे 3-4 हफ्ते कटाए हुए बाल, तो देखो थोड़े से बीच से बढ़ गए हैं, बीच में बाल में हाथ में शुरू हो गया आने, साइड से दो कट्स अगेन। तो कटवाता हूँ पहले यहाँ से बाल, उसके बाद कोई इधर मिलता हूँ एंड लेट्स सी कैसे होते हैं आज। तो आज काट रहे नए भाई, आपका नाम क्या भाई? आसिफ। आसिफ, तो आसिफ भाई काट रहे बाल। यहाँ पे आ चुके हैं अंकल। अंकल आप ही नहीं कटवाने? नहीं भैया, मैं तो अभी कटवाया था पिछले संडे। ओके, अंकल को पता है जब मैं बाल कटवाऊंगा तो क्या हेल्प कर देता हूँ। यही बात है, ठीक है, तभी पहले कटवाता हूँ बाल यहाँ से। A few moments later. All right, तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने रूम में वापस एंड कट चुके हैं मेरे बाल एंड भाई आई कैन सी मेरे फेस पे ना थोड़े थोड़े एक्नी आ गए हैं। और ये क्यों आए हैं भाई? मैंने एक कदा को खाना खाया था बड़ा बटरी और मैंने उसमें थोड़ा सी तलवाई थी एक्स्ट्रा चीज़ भी। यस, मुझे पता है चीज़ और बटर जब दोनों मिलते हैं तो ये कुछ हो जाता है आपके फेस का हाल। देखो ये देखो, आपने ऐसे देखा होगा कल वाली वीडियो में कि कल इतना कुछ नहीं था और आज देखो इतना कुछ आ चुका है। तो मम्मा ने मेरे को भी बहुत ज़्यादा डांटा है, मम्मा ने बोला कि दोबारा से देखो वो वाला खाना नहीं खाना। तो अभी यही सीन है कि बाल तो कट चुके हैं बहुत बढ़िया, साइड में दो कट्स भी आ गए हैं। तो यहाँ पे देखा पूरा आज के ब्लॉग में लगवाने के लिए गया था प्यूब की स्क्रीन एंड भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को करके बाइक राइड आज बब्बू भाजी के साथ में। साथ में फिर मैं गया था शेक वगैरह पीने भी। तो यहाँ का वीडियो पसंद को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। YPM ब्लॉग्स को मिलता हूँ आपसे मैं कल एक और डेली ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड यस, स्टे सेफ एंड बाय।